हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो गाइस, आज के ये वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1। तो अगर आपने इसके थियोरी के मतलब टॉपिक वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले वो टॉपिक वीडियो देख लो एंड देन आफ्टर ये एक्सरसाइज वाले वीडियो देखना, तो अच्छे से समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन वन क्या बोल रहा है कि डिटरमाइन वॉट एवर सॉरी वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिसिव। तो इसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि कब रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है, कब सिमेट्रिक होता है एंड कब ट्रांजिटिव होता है। तो बहुत ही बेसिक है इसका अंडरस्टैंडिंग, हमें पता ही है कि कभी कब रिलेशन को रिफ्लेक्सिव बोलते हैं, वो मैंने पहले सब में सब कुछ डिटेल में बताया है। तो देख लो पहला क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट क्वेश्चन है कि रिलेशन आर इन द सेट ए डिफाइंड एज आर करके एक्स एंड वाई वेयर 3x - y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सेट ए में डिफाइन है रिलेशन, मतलब कि आपको डोमेन और रेंज कहाँ होनी चाहिए जो भी रिलेशन है उसकी, ए मतलब हम इसको ऐसे भी बोल सकते कि ए से ए में है ये रिलेशन, बराबर। तो 1 से लेके 14 तक के एलिमेंट को आपको कंसिडर करना है और उसमें से वही वैल्यू आपको इसमें पुट करनी है जो सिर्फ ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हो 3x - y इज इक्वल टू 0। तो देख लो, तो यहाँ से पहले जैसे ही मैं x की वैल्यू 3 लूँगा तो y की वैल्यू मुझे क्या मिल सॉरी x की वैल्यू 1 लूँगा तो y की वैल्यू मुझे क्या मिलने वाली है 3। x की वैल्यू 2 लेंगे तो y की 6 मिलेगी, x की 3 लेंगे तो y की 9 मिलेगी, x की 4 लेंगे तो y की 12 मिलेगी। जैसे ही आप x की वैल्यू 5 लेंगे तो y की वैल्यू आपको क्या मिलेगी 15। पर देख लो 15 जो है वो ये सेट में नहीं आ रहा है, तो यहाँ से आपका ये पैर बनना खत्म हो जाएगा, मतलब कि इतने ही एलिमेंट आपको मिलेंगे 4, 1 3 2 6 3 9 एंड 4 12। तो अब देखो, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि अब ये रिलेशन तो आपका हो गया, अब आपको ये चेक करना है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांजिसिव। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि रिफ्लेक्सिव कब बोला जाता है। अ रिलेशन इज सेड टू बी रिफ्लेक्सिव इफ x, x बिलोंग्स टू R वेदर वेयर एक्स इज फ्रॉम डोमेन, डोमेन से एक्स मिला लिया है तो उसकी इमेज भी क्या होनी चाहिए वन भी वन ही होनी चाहिए। तो ऐसे कोई एलिमेंट आपको यहाँ पे दिख रही है कि जो ऐसा हो 1, 1 2, 2 3, 3 मतलब इमेज एंड प्री इमेज दोनों ही सेम हो, तो ऐसे 1 से लेके 14 तक की ऐसी कोई भी एलिमेंट आपको नहीं मिल रहा है। तो ऐसा कोई एलिमेंट आर में नहीं है, इसलिए मैंने लिखा है डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। पहला आंसर मिल गया आपको, तो चेक करना था कौन सा है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिसिव है, कौन सा है। तो रिफ्लेक्सिव नहीं है तो हमने लिखा कि आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक देखो क्या होता है, सिमेट्रिक नाम से ही पता चलता है, अ रिलेशन इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ एक्स वाई बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट वाई एक्स बिलोंग्स टू आर, मतलब कि एक्स वाई वाली कोई पैर, एक्स कोमा वाई वाली कोई पैर आर में है तो एक ऐसी भी पैर वहां पे होनी चाहिए जो वाई कोमा एक्स होती हो, मतलब कि यहाँ पे एग्जाम्पल ले हम तो सपोज वाई 1, 3 आर में है, ये देख लो है, तो एक कौन सी इमेज एक होनी चाहिए, कौन सा एक एलिमेंट होना चाहिए 3, 1 वाला भी आर में होना चाहिए, बट वो नहीं है, 3, क्या है 9 है, तो इसको क्या बोल देंगे हम इज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, मतलब कि आर इज नॉट सिमेट्रिक। आई होप आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो ये। ओके तो अब ट्रांजिटिव वाला देख, तो अब ट्रांजिसिव वाला क्या है कि देखो, अ रिलेशन इज सेड टू बी ट्रांजिटिव इफ एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, वाई कोमा जेड बिलोंग्स टू आर, दैट इम्प्लाइज दैट वो एक्स कोमा जेड बिलोंग्स टू आर। अब ये ऐसे नहीं समझ आएगा, एग्जाम्पल देखते देखो 1, 3 आर में है तो एक ऐसी भी पेयर होनी चाहिए जो 3 से स्टार्ट होती हो, मतलब 3, 9 भी आर में है, तो देखो 3, 9 भी आर में है, तो इसका अगर ये दोनों आर में है तो इसका मतलब क्या होता है, इसको मैं बोल सकता हूं कि ये एक्स है, ये वाई है, ये वाई है, ये जेड है। तो अब एक्स जेड देखो, ये एक्स कॉमा जेड भी आर में होना चाहिए, एक्स जेड अगर देखे तो क्या होना चाहिए 1, 9 भी आर में होना चाहिए। देख लो यहाँ पे कहीं पे है 1, नहीं है, तो मैंने लिखा कि 1, 9 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो आर इज ऑल्सो नॉट ट्रांजिटिव, सिंपल। ओके क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर टू देखो, वो क्या है, क्वेश्चन नंबर टू नहीं है एक्चुअली, ये फर्स्ट का ही सेकंड है। तो ये क्या है कि रिलेशन आर इन द सेट एन, कहाँ पे डिफाइन है वो, सेट एन पे, नेचुरल नंबर पे, जहाँ पे रिलेशन दिया है हमें कि आर इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, जहाँ पे कौन सा इक्वेशन है, वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस फाइव एंड एक्स इज लेस देन फोर। ओके, एक्स लेस देन फोर है बट एन में डिफाइन है। आप जानते हो कि अगर ये रिलेशन है, यहाँ से हम सॉल्यूशन देखें तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कौन सी हो गई, सिर्फ वन टू एंड थ्री। तो ये एक्स की वन टू थ्री वैल्यू है, तो उसके हिसाब से वाई की वैल्यू क्या मिलेगी, ये इक्वेशन में पुट कर दो। जब वन रखेंगे तो क्या मिलेगा, सिक्स, और ये सेवन और ये एट, तो तीन पैर बनी, 1.6, 2.7, 3.8। ओके, अब देखो चेक करना है कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है या ट्रांसिटिव। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि कोई भी पैर ऐसी नहीं है जो खुद की ही इमेज हो, मतलब कि 1.1 वाली, 2.2, 3.3 वाली कोई भी पैर नहीं है। सो क्लियरली हम बोल सकते हैं कि आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सेकेंड देखो सिमेट्रिक में, कि अगर 1.6 है तो क्या होना चाहिए, 6.1 भी होना चाहिए, तभी सिमेट्रिक बोला जाएगा इसको। तो 1.6 बिलोंग्स टू आर है, बट देर इज नो सच पैर दैट 6.1 बिलोंग डज नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट सिमेट्रिक। इजी, वेरी इजी, सिंस नो सच पैर, यहाँ पे एक भी पैर ऐसी नहीं है। देखो एक्स कोमा वाई बिलोंग्स टू आर, वाई कोमा जेड, अब मान लो कि ये 1.6 से स्टार्ट करें हम, वो आर में है, तो एक पैर ऐसी भी होनी चाहिए 6.समथिंग, जो आर में होनी चाहिए। तो 6 से स्टार्ट होने वाली तो कोई पैर भी नहीं है, और अगर ऐसा बनता है, मान लो कि 6.z वॉट एवर है, तो एक पैर ऐसी भी मिल लीजिए 1.z बिलोंग्स टू आर। जब ये तीनों पैर होगी तभी हम क्या बोलते हैं उसको, ट्रांजिटिव, यहाँ पे मैंने बताया था। तो यहाँ पे तो कोई भी ऐसी पैर बन भी नहीं रही है, तो इसको बोल देंगे इज नॉट ट्रांजिटिव, आर इज नॉट ट्रांजिटिव। देख लो, वेरी इजी क्वेश्चन वन का ही थर्ड नंबर का क्वेश्चन है कि रिलेशन आर इन द सेट ए 1 2 3 4 5 6 एज एक्स कॉमा वाई, वहाँ पे क्या है कि वाई इज डिविजिबल बाय एक्स। वाई ऐसा ढूंढो कि जो क्या होना चाहिए, एक्स से डिविजिबल होना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने देखो वन लिया है, यहाँ पे पहला जो होगा वो क्या होगा, एक्स होगा, ये एक्स और ये वाई। तो हम जानते हैं कि वन से तो हम हर किसी को डिवाइड कर सकते हैं, तो यहाँ पे 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, क्योंकि 6 1 से डिविजिबल है, 5 भी 1 से डिविजिबल, 4 भी 1 से, 3 भी 1 से, 2 भी 1 से, तो ये तो हो गया। अब टू, टू से स्टार्ट करते हैं, तो टू से किसको डिवाइड कर सकते हैं, टू से टू को कर सकते हैं, टू से फोर को भी कर सकते हैं, टू से सिक्स को भी कर सकते हैं, तो टू का काम हो गया। फिर थ्री से स्टार्ट करो तो थ्री से थ्री को कर सकते हैं, थ्री से सिक्स को, फोर से करो तो फोर से फोर को सिर्फ, क्योंकि हमें सिक्स से आगे तो जाना नहीं है। फिर फाइव से करो तो फाइव से फाइव ओनली एंड सिक्स से सिक्स ओनली। तो यहाँ पे क्लियरली हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे चेक करना है, अगर वी कैन से दैट 1.1 बिलोंग्स टू आर, ऐसे सिक्स तक है। देखो 1.1, 2.2, 3.3, 4.4, 5.5, 6.6, तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव। अगेन देखो 2.4 है हमारे पास, बट हम देख ही सकते हैं यहाँ पे कि वाई इज डिविजिबल बाई एक्स लिखा है, तो अगर 4 2 से डिविजिबल है तो इसका उल्टा करो, 4.2, तो 2 कभी 4 से डिविजिबल नहीं होगा, तो इज नॉट, डज नॉट बिलोंग्स टू आर हो जाएगा, तो इज नॉट सिमेट्रिक हो जाएगा ये। ओके, वेरी सिंपल। ओके नाउ देखो 1.2 सही है, चलो देख 2 से स्टार्ट होने वाली पैर भी होनी चाहिए, तो 2 से स्टार्ट होने वाली, मान लो कि ये ले रहा हूँ मैं 2.4 है, बराबर है, तो इसका मतलब ये होता है कि 1.4 भी होना चाहिए। तो देखो 1.4 है, बिलोंग्स टू आर, क्योंकि ये कहाँ पे है, 1.4 ये रहा। आप इसकी जगह पे ऐसा भी कर सकते, देखो 1.2 एंड 2.6 बिलोंग्स टू आर है, तो इस दैट इम्प्लाइज दैट 1.6 बिलोंग्स टू आर भी होना चाहिए, ये बिलोंग कर रहा है यहाँ पे, देख सकते हो आप, वेरी इजी। ओके थैंक यू गाइस। तो गाइस थैंक यू।